स्पीकर सर, जो क्वेश्चन मैं डाला है ये इनसफिशिएंट रिप्लाई दिया मिनिस्टर ने, क्योंकि आधा इंफॉर्मेशन देना हाउस को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। मेरा क्वेश्चन इज दैट द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स इंक्लूडिंग द करंट ईयर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ईयर वाइज। मगर आई रिसीव्ड द रिप्लाई, इट इज़ वेरी सिंपल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कंप्लाइज ऑल पब्लिक पब्लिशेस इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स इट पब्लिकेशन क्राइम इन इंडिया अंडर 120A 2014 ऑनवर्ड्स टिल 2019। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, मैं 10 साल के लिए मांगा टिल करेंट ईयर, मगर यहाँ पर जो रिप्लाई दिए 2019 तक रिप्लाई देकर वहीं पर छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो दिल्ली पुलिस कम्स अंडर गृह मंत्री, सो दिल्ली तो कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है सर, जो लैंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट बोल के ये रिप्लाई में कहा है मंत्री जी ने, मगर दिल्ली जो पुलिस होता है वो गृह मंत्री के अंदर होता है। ये दिल्ली में आफ्टर 2019 बहुत सारे केसेस लगे हैं सर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, क्रिटिसिज्म और आस्किंग क्वेश्चन क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार को पूछना कोई सेडिशन नहीं होगा सर। मगर 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि कोई सरकार के पॉलिसी के खिलाफ कोई कुछ कदम उठाए, किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएट ये 124A में सेडिशन केसेस लगवा रहे हैं सर। इसका एक ही मैं इसका आंसर इसमें से मैं निकाल के बोल रहा हूँ सर, 2019 में जो कन्विक्शन रेट इज 3.3%, इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगवा रहे हैं सर। इसके बारे में कुछ चर्चा चलना है, और इसका ये है कि सर, ये अगर 4-4 साल 5-5 साल ये केस के अंदर अगर किसी को नौजवान कोई किसान नेता को या नहीं तो प्रश्न क्या है? या यस सर, आई एम प्रियम्बिल वो इसीलिए बोल रहा हूँ सर, 6-6 साल अगर ये केस लगा के ऐसी छोड़ दिए तो चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा है, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं किए तो उनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको जो वीसा भी नहीं मिलेगा। जो दिशा रवि जैसे किसान फार्मर को मदद दिए उनके ऊपर जांच लगा, मगर कोर्ट में तो कुछ प्रूव ही नहीं कर सका। इसीलिए मेरा सवाल ये है कि सर, केंद्र सरकार से अगर आप 1 साल के अंदर इसके बारे में अगर जांच नहीं किए, अगर इसका कन्विक्शन नहीं हुआ, ये चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कोई केंद्र सरकार ने कोई प्रपोजल है? और दूसरा, ये 26 जनवरी 2021 के बाद जो किसान रैली होने के बाद बहुत सारे केसेस दिल्ली में लगवाए सर, ये चार्जेस पर सबका सब ये किसान के साथ आवाज़ उठाए बोल के एक ये झूठे इल्ज़ाम लगवा रहे, ये चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोजल है क्या केंद्र सरकार का सर? थैंक यू। अध्यक्ष जी, स्पीकर सर, गृह मंत्री जी ने टिल 2019 के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर, आई एम आस्किंग 2019 to 2020, 2020 to 2021 टिल 26 जनवरी ऑफ 2021, क्योंकि ये किसान जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर गृह मंत्री, तो यहाँ पर जो चार्जेस लगवाए ये कभी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है क्रिटिसिज्म इज नॉट इन सेडिशन। आपका प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न ये है कि जो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस वाले ने जितने भी केसेस लगवाए उनके बारे में 19 एंड 20, 20 एंड 21 में जितने भी केसेस लगवाए वो केसेस के बारे में मैं पूरा डिटेल पूछना चाह रहा हूँ, वो पूरा सबक को देना है। दूसरा चीज, जो 26 जनवरी 2020 के बाद किसानों के ऊपर, पत्रकार के ऊपर और युवा नेता के ऊपर जो सेडिशन केसेस लगवाए वो चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोजल गृह मंत्री जी का नहीं है, ये साफ साफ दिखाना चाह रहा हूँ सर। आप भी 2 लाइन में जवाब मैं फिर बता